हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम 3.8 एक्सरसाइज करेंगे, 8th क्लास की जो बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स की। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमने इनसे पहले वाले वीडियोस में कवर कर ली थी, और इससे जस्ट पहले हमने डेसिमल का जो कंसेप्ट था वो हमने किया था, और उसी टॉपिक को इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। मुश्किल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, आप देखिए ना कि कितना ये इजी टॉपिक रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट तो आप इजीली निकाल सकते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से, लेकिन उसमें क्या बोल दिया गया है कि जो स्क्वायर रूट हमको निकालना है वो कैसा निकालना है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखिए, फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें हमने 11 का निकालना है, तो 11 को यूज करेंगे हम लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो ये देखिए, 11 जो है किसके स्क्वायर के पास आता है, 3 के स्क्वायर के पास, 3 3 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, और 3 में 3 प्लस कर देंगे तो ये आएगा 6। अब क्या होगा, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रुक गया, लेकिन हमको आगे भी करना है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जैसे हम डिवाइड में करते हैं ना कि पॉइंट लगा लेते हैं, तो पॉइंट लगा लिया, लेकिन डिवाइड में हम एक जीरो लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, 2 जीरो लेंगे, क्योंकि इसमें 2 की पेयरिंग चलती है, 2 से कम हम नहीं ले सकते। तो 200 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आता है। क्या आता है, 189। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अब 63 में ये 3 प्लस हो जाता है। ये तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं, आई होप कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर से 2 जीरो हम नीचे ले आएंगे, 1 जीरो नहीं आएगी, 2 ही जीरो आएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये 6 6 है, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। 6 6 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 6 1। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4। इसके बाद इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 662। और लास्ट में फिर से 2 जीरो, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाना है ना, अभी तक हमारे 2 ही हुए हैं, फिर से 2 जीरो हम नीचे ले आएंगे, ये बच गया 43900, और ये 662, ये जाएगा 7 पे जाएगा 42, 6 पे ही जाएगा, 6626 इंटू 6, तो क्या बनेगा, 6626 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 6 36 6 2 12 + 3 15 6 6 36 37 6 6 36 38 39। तो 39756। इसको माइनस हम कर देंगे तो जो भी आएगा रिमाइंडर वो डजेंट मैटर, वैसे आपने रिमाइंडर निकालना है, लेकिन हमारा जो मेन आंसर है वो यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3.316। ये है क्या, 11 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो हम एक दो पार्ट और कर लेते हैं जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। देखिए, कौन सा पार्ट करें हम, चलिए एच करके दिखाता हूँ मैं आपको, एच वाला पार्ट करके दिखाता हूँ। एच पार्ट में क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.00376। इसका 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कैसे होगा, यहाँ पर हम एक बार लगा लेंगे और फिर डेसिमल के बाद हम इस तरीके से बार लगाना स्टार्ट करते हैं, एक बार, दो बार और ये एक और बार। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो तो स्टार्टिंग में जीरो ही रहेगा, यहाँ पर भी ये जीरो ही रहेगा, पॉइंट लग जाएगा फिर भी जीरो ही रहेगा, जीरो को प्लस कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, कहाँ से, 37 से। तो ये किस पे जाएगा, किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 6 के स्क्वायर के आसपास है, किसके स्क्वायर के आसपास है, 6 के स्क्वायर के आसपास है, 6 6 जा 36, तो 37 में से 36 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो 6 है इसको हम नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई, ये 6 में अगर 6 प्लस करें तो क्या आएगा, 12 आएगा, और इसकी पेयरिंग करने के लिए एक जीरो हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, क्योंकि एक तो पहले ही था, अब 2 जीरो नहीं आएंगे, अब सिंगल ही जीरो आएगी, क्योंकि एक हमारे पास जो डिजिट थी वो पहले से ही थी, तो ये 160 हो जाता है। ये किस पे चला जाएगा, 121 इंटू 121। रिमाइंडर जो भी बचेगा आप उसको निकाल लेना, क्या बचेगा, यहाँ पर 39 रिमाइंडर बचेगा, ये डजेंट मैटर।
मेन बात क्या है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.061, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है। तो ये कंसेप्ट था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का। सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शन में भले ही गिवन है लेकिन हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, 41.29। तो इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है वो इसमें इसको प्लस करते हैं। तो 41 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 9, 9 4 36, और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 371/9, 371/9। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, ये 9 4 36, और ये आएगा यहाँ पर 11 बच जाएगा, तो ये आएगा 9 1 9, फिर 2 चला जाएगा तो 9 2 18। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम ले जाएंगे उसका आंसर निकालने के लिए। तो कोई ऐसी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, बस आप जीरोस का ध्यान रखना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है। तो ये भी कोई बात नहीं, बस जीरोस बढ़ाते चलेंगे। चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है, 183.0024, ये क्वेश्चन गिवन है। इसका हमको निकालना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए, डेसिमल से पहले ऐसे बार बनते हैं, 83 के ऊपर एक बार आएगा, फिर 1 के ऊपर, और फिर डेसिमल के बाद इस तरीके से बार बनते हैं। यहाँ पे 00 आप बाद में लगा सकते हैं, जितनी भी हमको डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है। तो चलिए इसको ले जाते हैं, 1 जो है 1 के पास ही आएगा, 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 0 बचेगा, 83 आएगा, 1 में 1 प्लस होगा तो 2 आएगा। 2 को किस पे लेकर के जाएंगे हम, 2 को ले जाएंगे 3 पे, क्योंकि 23 3 जा क्या होता है, 69 होता है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे 4 आएगा, 7 में से 6 जाएंगे 1 आएगा, ये दोनों 0 यहाँ पर आ जाएंगी, 23 में ये 3 प्लस हो जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 आने के बाद क्या करेंगे हम, इसको 26 में क्या ऐड करेंगे, मतलब क्या डिजिट यहाँ पर लिखेंगे 26 के बाद, हम लिखेंगे यहाँ पर 5, क्योंकि 265 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 5 5 जै 25, 5 6 जै 30 प्लस 2 32, 5 2 जै 10 प्लस 3 1325, जो कि 1400 के बिल्कुल पास है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 75, यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, ये 75 बच जाएगा। इसके बाद ये जो 24 था ये नीचे आ जाएगा, और 265 में ये वाला जो 5 होगा, 265 में ये वाला 5 प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 270 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, 7524। अब ये किस पे जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, क्योंकि 2702 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5404, क्या आंसर आएगा, 5404। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखते, काफ़ी कम रहेगा ये, 3 3 9 3 0, नहीं ये आगे चला जाएगा जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और आंसर हमारा क्या आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5404, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 था तो ये 2120 आ जाएगा, और 2702 में हम 2 प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2704 आ जाएगा। इसके बाद ये दो दो जीरोज हैं ये नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है लेकिन आपने करना ये ऐसे ही है, फिर ये दो जीरोज आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कोई नंबर हम लिखेंगे और फिर यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, और ऐसे ही कब तक करते रहेंगे, जब तक वो अप टू 5 डेसिमल प्लेस नहीं पहुँच जाता, अप टू 5 डेसिमल प्लेस नहीं पहुँच जाता। तो वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, जितनी भी जीरोज आप लगा लीजिए, 5 10, जितना भी आपको डेसिमल प्लेस निकालने के लिए बोला रहे, आप उतने ही जीरोज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पेयर में यूज करना, कैसे यूज करना, पेयर में यूज करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले से ही वैल्यूज गिवन है, अंडर रूट 2 की वैल्यू गिवन है 1.414, अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.732, और अंडर रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.236। ये इनकी ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यूज हैं, आप इनको निकाल के देख लीजिए, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक यही आंसर आएगा। उसके बाद इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन करना है ABCD। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अब तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है ये। देखिए क्या है,
अंडर रूट 361 अपॉन 5 है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अंडर रूट 361 है और ये अंडर रूट 5 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जिस जिसने 30 तक स्क्वायर याद करे हैं उसको पता है कि 361 जो है किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, या आप यूँ कह लीजिए कि 361 का स्क्वायर रूट क्या है, 19 है। और अंडर रूट 5 को हमको निकालना ही नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2.236। ये आप डेसिमल यहाँ से हटाइए और ऊपर 3 जीरो लगाइए और अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 19,000 और 2236। ये आपके लिए होमवर्क में टास्क है, ये डिवाइड मैं आपको नहीं करवाऊंगा। जो भी डिवाइड करके आपका क्वेश्चन आएगा, जो भी यहाँ पे डिविडेंड आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं वर्ड स्किप कर रहा हूँ कि इसको डिविडेंड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आप एक बारी कन्फर्म कर लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए 3136 है, 3136 अंडर रूट और अपोन में है 15। ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 3136 का जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो पेयर बना करके डिविडेंड जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं। ये देखिए 5 के स्क्वायर के पास है, 5 5 जा 25, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, और ये फिर 36 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस 5 में ये वाला 5 प्लस हो जाएगा और इसके बाद ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 636। तो हम कह सकते हैं कि 3136 का स्क्वायर रूट क्या है, 56, और नीचे अंडर रूट 15 बच गया है। अंडर रूट 15 को देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा 56 आ गया, अंडर रूट 15 को हमने क्या किया, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 लिख लिया, क्योंकि ये बात सेम ही है, जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 आंसर आता है। तो बिल्कुल सही हमने यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट की है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 यहाँ पर बच गया, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1.732, और अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या गिवन है, 2.236। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका वो डिवाइड कर देना है आपने कहाँ से, 56 से डिवाइड कर देना है, और फिर जो भी 56 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले जो टास्क हैं ये आपको खुद करने हैं एज अ होमवर्क। इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 425.31 मीटर स्क्वायर, 425.31 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है फील्ड का। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। वेरी इजी क्वेश्चन है, देखिए एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार पहले कर चुके हैं, बस इसमें फर्क इतना ही है कि जो लेंथ जो हम निकालेंगे साइड की वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस में निकालेंगे। 425.31 है, और हम सबको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, या आप यू कह लीजिए साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड एरिया है, और एरिया हमको गिवन है 425.31, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइड इनटू साइड इज इक्वल्स टू 425.31। अब हमको खाली साइड निकालनी है, तो ये तो साइड का स्क्वायर है, तो साइड का स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि साइड इनटू साइड क्या हो जाएगी, साइड का स्क्वायर हो जाएगी, और इसका भी हम अंडर रूट ले लेंगे। जब इसका अंडर रूट लेंगे, साइड का अंडर रूट लेंगे, तो साइड इनटू साइड हम इसको लिख सकते हैं ना, तो एक पेयर बन गया और एक पेयर से एक फैक्टर बाहर निकल के आएगा, तो साइड बच जाएगी यहाँ पे सिंगल, और 425.31 का हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से, जो भी इसका डिवीजन मेथड से आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और बस बात यह है कि इसमें आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो डेसिमल से पहले यहाँ पर बार लगती है और डेसिमल के बाद यहाँ पर बार लगेंगी, इसको हम ऐसे इन बढ़ा लेंगे। तो देखिए 4 किसके पास है, 2 के स्क्वायर के पास है, 2 2 जा 4, यहाँ 0 बच गया, 25 यहाँ नीचे उतर के आएगा, इस 2 में ये वाला 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे क्या है, 25 है। अब देखिए अगर हम 0 भी लेते हैं, 40 तो नहीं लेंगे, अगर 1 भी हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा है कितना, 25 ही है,
क्या है 25 ही है। तो अब हम क्या करेंगे इस चीज से बचने के लिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे हम डिवाइड में करते हैं ना, जब नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है, वन से भी छोटा रह जाता है, तो हम क्या करते हैं जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। अब देखिए इसका हम आगे कैसे करेंगे, यहां पर ये जीरो आ गई। अब क्या करेंगे, ये 31 यहां पर नीचे आ जाएगा, तो ये 40 जो बच गया था हमारा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम? इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से, 406 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 406 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 36 और ये आएगा 24। तो 24 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। कितना आएगा? 95 आएगा। और ये दो जीरो अब हम यहाँ से लेनी स्टार्ट कर देंगे जो हमने पहले से ही लगा रखी थी। 406 में हम 6 प्लस कर देंगे तो 412 आ जाएगा, 412 आ जाएगा। अब 412 के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तो 4122 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 8 2 4 4। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 6 बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये बच जाएगा कितना, 1। और इसके बाद फिर से ये दो जीरो यहाँ पर ले आएंगे। बस ये लास्ट है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमको निकालना था। यहाँ पर एक डेसिमल हम लगाना भूल गए थे क्योंकि डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल ही आएगा। तो 2 प्लेसेस तक तो हम निकाल चुके हैं, लास्ट प्लेस है 4122 आ गया। इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4144, 4144। और 4144 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐड करके 3 यहाँ पर लिख करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4144 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 4 जा 12, तो 1 2 4 3 2 9। इसको माइनस करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, 20.623 आपकी साइड निकल के आ जाती है। यहां तक हम पहुंच गए थे इस साइड पे कि साइड हमारी कितनी आएगी, इसका जो स्क्वायर रूट होगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 425.31 का जो स्क्वायर रूट है अप टू 3 डेसिमल प्लेस वो क्या बनता है, 20.623। और ये जो भी है मीटर या सेंटीमीटर उसी में हम लिख देंगे, मीटर में है तो हमारा आंसर किस में रहेगा, ये मीटर में रहेगा। तो ये चैप्टर था स्क्वेयर्स के बारे में, आज हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। 3.8 के साथ ये लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है, 3.8 एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर ये क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें से कुछ एक दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, आप इसी चैप्टर को अच्छे से करिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्यूब का रहेगा। अगर इस चैप्टर में आपको अच्छी क्लैरिटी है तो क्यूब समझने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।